नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ अपने मौजूदा निवेश समझौते पर चर्चा की। इसके अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एरोनॉटिक्स क्षेत्र में भी मजबूती और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। नाओर गिलोन ने कहा कि भारत में इजराइल द्वारा किए गए कुल 80% निवेश में से लगभग 50% हरियाणा में निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में इजराइल बहुत मजबूत है, इसलिए हरियाणा सरकार के साथ इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। वही सीएम ने कहा कि राज्य की काफी भूमि खारे पानी वाली है, इसीलिए मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए संभावनाएं तलाशी जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई भी निवेश का एक अन्य क्षेत्र हो सकता है। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। वही किसानों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की मुख्य मांगों को सरकार ने मान लिया, अब किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग में रिश्वत के मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। वही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा, हमने सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची का खेल भी खत्म किया। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार में 7 FIR दर्ज की गई और पिछली सरकार में सरकारी नौकरियां पैसों में मिलती थी। वही प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इससे जनता को सहूलियत मिलेगी, अब तक एक क्लिक में जमीन का पूरा से पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। HSPC में धांधली और पेपर लीक मामले में एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्राइवेट संस्थान में 75% हरियाणा के युवाओं के आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डेमिसाइल की अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है, जो युवाओं के साथ धोखा है। वही कृषि कानून पर उन्होंने कहा कि भले ही फैसला देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है, अगर समय रहते फैसला हो जाता तो नुकसान से बचा जा सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का दावा करने वाली सरकार को किसानों की लागत कम करनी पड़ेगी, तो वही किसानों को कुछ फायदा मिल सकता है। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे विनोद तावड़े। कार्यालय पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। विनोद तावड़े ने कद्दावर कद और संगठनात्मक कौशल को देखते हुए रविवार को बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। विनोद तावड़े हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं। वही विनोद तावड़े ने कहा है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद मैं पहली बार आया तो कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, इस जोश में पार्टी और देश के प्रति काम करने की अपेक्षा है। किसानों की मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की जो भी बात थी सरकार ने वो मांग ली है, जल्द तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों में विश्वास की कमी रही है, जिसकी वजह से सरकार को कृषि कानून को लेकर सिर्फ किसानों को समझा नहीं पाई। सिरसा में हरियाणा किसान मंच ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पहले से तय कार्यक्रम उसी प्रकार से रहेंगे। सोनीपत में जागरूक नारी शक्ति हमारी के तहत हरियाणा पुलिस की साइकिल यात्रा सोनीपत पहुंची है। महिला सुरक्षा जागरूकता के लिए रैली 15 नवम्बर से शुरू हुई थी। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही है, इसी के तहत ये साइकिल रैली 1194 किलोमीटर की यात्रा कर अलग अलग जिलों में पहुंचेगी। देश में बढ़ रही महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के ऐलान पर जय जागरण जन जागरण यात्रा निकाली।
जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों को जागरूक किया है। यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि ने की। चरखी दादरी के मोड़ी गांव के दो बेटियों ने जिला स्तर पर प्रबंधन नहीं होने के बाद भी हिमाचल में 15 नवंबर से 19 नवंबर तक चली नौकायन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया। दोनों विजेता खिलाड़ियों का दादरी पहुंचने पर गांववासियों ने जोरदार स्वागत किया। सुई गांव के हर्षित ने भिवानी के साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन किया। हर्षित ने 12 साल की उम्र से ही 18 मेडल जीत लिए हैं, जिनमें से अधिकतर गोल्ड है। हर्षित कराटे का खिलाड़ी है और वे अपने पिता प्रवीण गहलोत के सानिध्य में ही कराटे सीख रहा है। प्रवीण भी अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश है। वहीं डीएसपी ललित ने भी हर्षित को बधाई दी है और सम्मानित किया। इंद्री के सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन गोदाम में स्थित धर्मकांड में रासाई मिलर्स के गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से मिलर्स को चावल के प्रति गाड़ी में 1 से 1.5 क्विंटल का नुकसान हो रहा है। पलवल केड़ा भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने किया। वही उत्तम सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया है। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को मुख्यमंत्री के बावल विकास रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली को संबोधित करने से पूर्व प्रदेश के मुखिया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल और बावल में ही नवनिर्मित आरओबी का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लगभग 50 करोड़ की है। वहीं दूसरी ओर सीएम 300 करोड़ की अन्य छोटी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 7 दिनों से जारी है। छात्रों की मांग है कि पार्ट टाइम टीचर भर्ती में आरक्षण पॉलिसी लागू की जाए। वही विश्वविद्यालय में एससी एसटी बुक बैंक में बुक्स नहीं व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर भी छात्रों ने धरना दिया। सिरसा के आंगनवाड़ी सेंटरों की तालाबंदी कर वर्करों और हेल्पर्स का अनिश्चितकालीन धरना 42वें दिन भी लगातार जारी रहा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वर्कर्स का कहना है कि सरकार के साथ 2018 में उनका समझौता हुआ था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया। सोना की सब्जी मंडी और अनाज मंडी में गंदगी का अंबार देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से बदबू फैलती है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से शहर को साफ करने के लिए तरह तरह के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन अभियानों के बाद भी शहर चारों तरफ से गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। वही लोगों का कहना है कि निगम सफाई की कागजों में ही दावे कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रीन वाले की घरों से कूड़ा उठाकर उसे डंपिंग गार्ड पर डंप करने चले जाते हैं, जिससे यहां पर गंदगी और बदबू फैलती रहती है। बल्लभगढ़ में शहर में गंदगी का अंबार देखने को मिला। गंदगी के मामले में जहां पहले फरीदाबाद का 28वां नंबर था, वही अब 41वां नंबर पर पहुंच चुका है। भिवानी के विद्यानगर में आज एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुराल में ही हवाई फायरिंग कर दी। पति पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते पति ने अपने ससुराल में हवाई फायरिंग की, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 21 युवा शिल्पकार मूर्ति बनाने का काम करेंगे और मूर्तियां केडीबी की संपत्ति पर बनेंगी और मूर्तियों में आधुनिक कलाकारी देखी जाएगी।
बल्लभगढ़ के गांव साहूपुरा से इस ग्रीन हाईवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। ग्रीन हाईवे के मात्र 20 मिनट में ही फरीदाबाद से एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में अवैध निर्माण को लेकर हरेरा सख्त हुआ है। 500 गज से ज्यादा पर फ्लैट बनाने के लिए अब हरेरा की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। साथ ही 8 से ज्यादा फ्लैट बनाने वालों को भी हरेरा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा न केवल जुर्माना बल्कि तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की जाएगी। फरीदाबाद की फैशन डिजाइनर रितु ने एक अनोखा पहल शुरू किया है। रितु कपड़ों की बची हुई कतरन से कपड़े बैग सहित कई सामान बना रही है। चरखी दादरी के गांव महांडी केयर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नहाटा राम की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण जिला प्रमुख सैनिक प्रकोष्ठ के ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कैथल के बालाजी कॉलोनी में मिठाई के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की है। दुकान मालिक के पास मिठाई बनाने का लाइसेंस नहीं था और काफी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां भी जब्त की गई। साथ ही मिठाइयों के ड्रमों में भारी मात्रा में मक्खी भी मिली है। विभाग ने दुकान मालिक को 15 दिन का नोटिस यहां पर दिया है और मौके पर खराब माल को नष्ट किया गया। CIA ताबड़ू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इनामी आयुर्वेदिक कंपनी के तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए के चोरी हुए माल को 10 ट्रायर ट्रक सहित बरामद किया। पुलिस ने ट्रक के चालक सहित 3 आरोपियों को भी काबू कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर किया गया है और उन्हें भोनसी जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर ओवरटेक समेत समय ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया है और हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी। गुहाना में स्कूटी सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। कोसली में दिवाली के शाम में मिठाई खरीदने आए यीशु और अक्षय पर कई राउंड फायरिंग के मामले में पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड सहित 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल और 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। गुरुग्राम में 20 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी मामले में एसटीएफ के सामने डॉक्टर ने कई बड़े खुलासे किए। फिलहाल मुख्य आरोपी डॉक्टर सचिंदर जैन नवल को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कुल 6 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 1.90 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 1.25 करोड़ का 3 किलो सोना और 45 लाख कीमत के यूएस डॉलर्स भी बरामद किए हैं। झज्जर जिला के गांव सिलानी के खेतों में एक किसान का शव मिला है। किसान की मौत कैसे हुई है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हिसार के ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा को अधिकारियों ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिरौती मांगे जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज व्यापारियों ने बैठक कर प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया। कोसली मार्केट स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में आग लगी, जिसके बाद आग की लपटे दूसरी दुकान तक पहुंच गई है। वही सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पलवल में पुरथला के छपरोला मोड़ के पास ट्रैक्टर और कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 घायलों ने दम तोड़ दिया। फतेहाबाद के रतिया इलाके के टिब्बा कॉलोनी के स्थित गुरुद्वारे में घुसकर एक व्यक्ति ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की। बेअदबी मामले में आरोपी व्यक्ति की पिटाई कर दी गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल आरोपी शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया।
गुरुग्राम में पहली और दूसरी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 85% आबादी कोरोना से सुरक्षित हो गई है। गुरुग्राम में 127% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। सरकार ने 15 दिसंबर तक 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,488 नए मामले सामने आए। 249 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केस 1,18,000 के पार। फतेहाबाद में फिर से कोरोना के केसेस एक्टिव होने लगे हैं। टोहाना इलाके में गांव पराता में 3 स्कूली छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा गांव चुवरपुर में भी 1 छात्र में कोरोना के लक्षण मिले हैं। ये सारे सभी सरकारी स्कूल के छात्र हैं। जिले में अभी तक कोरोना के 4 एक्टिव केसेस सामने आए। दिल्ली की आबोहवा खराब होती जा रही है। दिल्ली में AQI लेवल 315 के पार पहुंचा। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 के पार, जो पहले के मुकाबले कम है। फोगाट खाप 19 के प्रधान की अध्यक्षता में दादरी के बाबा स्वामी दयाल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 26 नवंबर के आह्वान पर मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में प्रधान और खाप के पदाधिकारियों ने 24 नवंबर को जिले भर के सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया। लखनऊ के इको गार्डन में किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें BKU के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे और उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी ओबीसी पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा भतीजे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई का स्वरूप क्या होगा ये तय किया जाएगा। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं देख रहा हूं कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि बिजली बिल फ्री हो गया, लेकिन किसी का भी ऐसा नहीं हुआ है। आपकी सरकार बनेगी तो भविष्य बन जाएगी। वही स्वास्थ्य सेवा पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 20 लाख रुपए लगते हैं और सिर्फ 10 दिन का समय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन को यह सम्मान पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका था। पठानकोट में सेना के कैंप के समीप ग्रेनाइट ब्लास्ट हुआ था। ये विस्फोट सेना कैंप के त्रिवेणी गेट के नजदीक हुआ था। पठानकोट के SSP सुरेंद्र लांबा ने कहा है कि विस्फोट की जांच की जाएगी। वही इलाके के सभी नाकों पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने PM मोदी को समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का न्योता दिया।